तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट लेक्चर्स, जो स्टूडेंट नीट की तैयारी कर रहे हैं, मेडिकल का कोई कोर्स कर रहे हैं, नर्सिंग का, फार्मेसी का कोई कोर्स कर रहे हैं, उन सभी के लिए लेक्चर्स इम्पोर्टेंट रहते हैं। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे स्प्लीन के बारे में। तो क्लास को शुरू करने से पहले एक पॉजिटिव थॉट के साथ में एक क्लास की शुरुआत करेंगे कि सफलता पाने के लिए हमें पहले यह विश्वास करना होगा कि हम यह कर सकते हैं। स्टूडेंट्स याद रखिए, यदि आपको सफलता प्राप्त करनी है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा, अपने ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लें। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ में हम क्लास की शुरुआत करते हैं। आज हम पढ़ेंगे स्प्लीन के बारे में। स्प्लीन बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से एक सवाल आना आपके लिए तय है, क्योंकि स्प्लीन क्या है, एक लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन है। जस्ट इससे पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि लिम्फेटिक सिस्टम में कि ऐसे ऑर्गन जो हेल्प करते हैं फॉर्मेशन एंड सर्कुलेशन ऑफ लिम्फ को, उन्हें हम कहते हैं लिम्फेटिक ऑर्गन। तो लिम्फेटिक ऑर्गन में भी सबसे लार्ज, सबसे बड़ा ऑर्गन अगर कोई है तो वो है स्प्लीन। तो इसलिए इस लाइन को बिल्कुल आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्या कि ये क्या है, एक लार्जेस्ट लिम्फोइड ऑर्गन है। क्या है, एक लार्जेस्ट लिम्फोइड ऑर्गन है। इसके अगर हम कलर की बात करें तो स्प्लीन का जो कलर होता है वो रेडिश ब्राउन होता है। स्प्लीन का कलर कैसा होता है, इट इज रेडिश ब्राउन इन कलर। क्लियर हो गया। उसके बाद स्प्लीन को हम ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन भी बोलते हैं फीटल लाइफ में। भाई अब ये फीटल लाइफ क्या होता है, फीटल लाइफ का मतलब इंट्रा यूट्राइन लाइफ। फीटल लाइफ का मतलब क्या है, फीटल लाइफ का मतलब है इंट्रा यूट्राइन लाइफ। ठीक है, कौन सी लाइफ, इंट्रा यूटेराइन लाइफ। इस इंट्रा यूट्राइन लाइफ को हम गेस्टेशनल लाइफ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गेस्टेशनल लाइफ। मतलब इसका मीनिंग हो गया, ये आपके लिए क्वेश्चन भी है, गेस्टेशनल लाइफ आपसे पूछी जा सकती है। तो गेस्टेशनल लाइफ क्या है, ऐसी लाइफ है, ऐसा टाइम पीरियड जो कि फर्टिलाइजेशन से और डिलीवरी तक का जो समय होता है, फर्टिलाइजेशन से लेकर के डिलीवरी तक का समय जो होता है, यानी बर्थ तक का जो समय होता है, उसे हम कहते हैं गेस्टेशनल पीरियड। तो उस पीरियड में, उस समय ये हेल्प करता है, या फ्यूचर लाइफ में ये हेल्प करता है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड में। देन नेक्स्ट पॉइंट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लड डिस्ट्रॉइंग ऑर्गन। यदि पोस्टनेटल लाइफ में बात करें, देखिए फीटल लाइफ में तो ये फॉर्म कर रहा था ब्लड को, लेकिन पोस्टनेटल लाइफ में ये ब्लड की सेल्स को किल करने का काम करता है, डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। इसलिए इसको हम ग्रेवियार्ड ऑफ आरबीसी के नाम से भी जानते हैं। ग्रेवियार्ड ऑफ आरबीसी मीन्स आरबीसी का कब्रिस्तान भी इसको हम बोलते हैं। चलिए, ये सामने जो आप डायग्राम देख रहे हैं वो काय का है, स्प्लीन का डायग्राम है। इसमें स्प्लीन में अलग अलग पोर्शन है जो आपको दिख रहे होंगे सामने। अच्छा, इसकी शेप हमने देखी थी अभी, शेप क्या है इसकी, स्प्लीन की अगर हम शेप की बात करें तो इसकी जो शेप होती है वो होती है टेट्राहेड्रल या विज शेप। किस शेप का होता है, टेट्राहेड्रल या विज शेप का होता है। आप सामने ये डायग्राम देख रहे हैं, काय का डायग्राम है, स्प्लीन का डायग्राम है। ठीक है, चलिए अब बात आती है इसकी लोकेशन की। तो इसकी लोकेशन होती है लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। भाई अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो ये लोकेशन क्या है, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। अब लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन कौन सा होता है, अगर हम एब्डोमिनल कैविटी की बात करें तो एब्डोमिनल कैविटी को हम टोटल 9 रीजन में बांटते हैं। कितने रीजन में, 9 रीजन में, टोटल 9 रीजन में एब्डोमिनल कैविटी को बांटा गया है, जिसमें से लेफ्ट साइड में सबसे पहला जो रीजन पाया जाता है उसे हम कहते हैं लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। ठीक है, और एट द अपोजिट ऑफ 9 टू 10th एंड 11th ribs, 9th ribs, 10th rib और 11th ribs के ये सामने की तरफ ये प्रेजेंट होता है। तो इसकी लोकेशन क्लियर हो गई, क्या है इसकी लोकेशन, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन इन अपोजिट टू 9, 10th एंड 11th ribs, और ये स्टमक के पीछे नीचे भी होता है। ठीक है, स्टमक के पोस्टीरियर साइड में और इंफीरियर साइड में ये पाया जाता है। और इसकी हम डायमेंशन की बात करें तो इसका डायमेंशन होता है 2.5 सेंटीमीटर। इसका डायमेंशन कितना होता है, 2.5 सेंटीमीटर या 1 इंच। लेंथ की बात करें इसकी, तो इसकी लेंथ होती है 12.5 सेंटीमीटर या 5 इंच, विथ चौड़ाई 7.5 सेंटीमीटर और 3 इंचेस। क्लियर हो गया, ये इसकी डायमेंशंस हो गई। जैसा कि शेप अभी मैंने आपको बताया था कि शेप क्या है इसकी, विज शेप का होता है। ये किस शेप का होता है, ये विज शेप का ऑर्गन होता है,
या ये टेट्राहेड्रल होता है। ठीक है, आप पीछे शेप में देख सकते हैं, ये शेप क्या है इसकी, विज शेप। ये सामने जो शेप आपको दिख रही है, ये पूरी शेप क्या है, विज शेप है या टेट्राहेड्रल शेप। ठीक है, विज शेप या टेट्राहेड्रल शेप। इसके वेट की बात करें तो वेट इसका लगभग 200 से लेकर के 250 ग्राम इसका वेट होता है, और इसका वेट बढ़ता भी है। कब बढ़ता है, क्योंकि इसको हम क्या कहते हैं, याद रखिएगा, इसको हम ब्लड बैंक ऑफ बॉडी के नाम से भी जानते हैं, स्प्लीन को। ये क्वेश्चन आप लिख लीजिए, क्वेश्चन आप क्या लिखेंगे कि ब्लड बैंक ऑफ बॉडी, ब्लड बैंक ऑफ बॉडी। तो ब्लड बैंक ऑफ बॉडी किसे क्या कहा जाता है, स्प्लीन को। याद रखिएगा, स्प्लीन क्या है, ब्लड बैंक है बॉडी का। तो एट द टाइम ऑफ ब्लड बैंक, यानी जब ये ब्लड को इकट्ठा करता है, तो उस समय इसका ब्लड, इसका जो वजन है लगभग डबल हो जाता है, लगभग डबल हो जाता है, लगभग इसका वजन कितना हो जाता है, लगभग 500 ग्राम तक, कितना हो जाता है 500 ग्राम तक, और लगभग ये 300 ग्राम तक ब्लड को स्टोर करता है। कितना ब्लड स्टोर कर सकता है ये, लगभग 300 ग्राम तक, 300 ग्राम तक ये ब्लड को स्टोर कर सकता है। चलिए, उसके बाद में बात आती है इसके एक्सटर्नल फीचर्स की। तो इसके अंदर दो एंड पाए जाते हैं स्प्लीन के। अगर हम एक्सटर्नल फीचर की बात करें तो स्प्लीन में क्या होता है, स्प्लीन के अंदर दो एंड पाए जाते हैं, तीन बॉर्डर होते हैं इसके, और दो इसके अंदर सरफेस होती है। तो एंड कौन कौन से हैं, सबसे पहला एंड होता है इसका एंटीरियर एंड, जो कि एक्सपेंडेड होता है। याद रखिएगा, एंटीरियर एंड कैसा है, एक्सपेंडेड है, और ये डायरेक्ट करता है डाउनवर्डली। कहां प्रेजेंट होता है, डाउनवर्ड नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है, और फॉरवर्डली, और मिड एक्सिलरी लाइन तक ये रीच करता है, पहुंचता है। मिड एक्सिलरी लाइन मतलब एक्सिला की मीडियल लाइन, ये जो लाइन है ये मिड एक्सिलरी लाइन कहलाती है। अगर हम पोस्टीरियर की साइड की बात करें या पोस्टीरियर एंड की बात करें, तो ये पोस्टीरियर एंड इसका डायरेक्टेड होता है बैकवर्ड की तरफ। ये पोस्टीरियर एंड किधर की तरफ होता है, बैकवर्ड की तरफ, और ये रेस्ट करता है अपर पोल ऑफ किडनी। अगर हम किडनी की बात करें तो किडनी में दो पोल होते हैं, अपर पोल और लोअर पोल। आप ऊपर ये डायग्राम देखिए, जैसे ये डायग्राम मैंने काय का बना दिया, किडनी का बना दिया। तो किडनी में दो पोल हैं, एक ये ऊपर वाला पोल और एक नीचे वाला पोल। तो ये ऊपर वाले पोल को तो हम बोलते हैं अपर पोल, क्या बोलते हैं, अपर पोल। और ये जो नीचे वाला पोल है इसको हम बोलेंगे लोअर पोल। ठीक है, लोअर पोल। तो ये जो अपर पोल है ना, अपर पोल, इसके बिल्कुल संपर्क में रहता है, या हम कह सकते हैं कि पोस्टीरियर एंड स्प्लीन का इसके ऊपर रेस्ट करता है। ठीक है, क्या करता है, रेस्ट करता है इसके ऊपर। चलिए, उसके बाद में आते हैं इसके बॉर्डर्स पे। तो इसमें तीन बॉर्डर होते हैं स्प्लीन में। कितने बॉर्डर होते हैं, देयर आर थ्री बॉर्डर्स। कौन कौन से, नंबर एक, पहले नाम याद रखिए, सुपीरियर बॉर्डर, इंफीरियर बॉर्डर और इंटरमीडिएट बॉर्डर। सुपीरियर बॉर्डर कहां प्रेजेंट होता है, सुपीरियर बॉर्डर प्रेजेंट होता है सुपीरियरली, सुपीरियर बॉर्डर प्रेजेंट होता है सुपीरियरली। और इंफीरियर बॉर्डर की बात करें, ये इंफीरियरली प्रेजेंट होगा, और ये राउंडेड होता है। कैसा होता है, राउंडेड होता है। इंफीरियर मीडियल बॉर्डर, ये ऑल्सो राउंडेड है, ये राउंडेड भी है, और ये डायरेक्टेड होता है राइट साइड में, राइट साइड की तरफ ये डायरेक्टेड होता है। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे इसकी सरफेस की। तो इसमें दो सरफेस होती है, कितनी सरफेस होती है, दो सरफेस। कौन कौन सी, एक विसरल सरफेस और एक होती है डायफ्रामेटिक सरफेस। कौन कौन सी, एक विसरल और एक डायफ्रामेटिक। तो विसरल सरफेस कैसी होती है, ये कॉनवेक्स होती है। विसरल सरफेस कैसी होती है, कॉनवेक्स। अब विसरल मींस क्या होता है, विसरल का मतलब होता है ऑर्गन। याद रखिएगा, ऑर्गन्स की आउटर लेयर को हम विसरा भी बोलते हैं, ऑर्गन्स की आउटर लेयर को हम विसरा भी बोलते हैं। तो विसरल सरफेस का मतलब जो ऑर्गन से संबंधित हो, यानी किसी अदर ऑर्गन से रिलेट करती हो। तो ये विसरल ऑर्गन इंप्रेशंस भी बनाती है। याद रखिएगा, विसरल ऑर्गन क्या बनाती है, विसरल ऑर्गन इंप्रेशंस भी बनाती है, याद रखिएगा। ठीक है, तो उन इंप्रेशंस के नाम हम देखते हैं। सबसे पहले आता है गैस्ट्रिक इंप्रेशन। सबसे पहला कौन सा इंप्रेशन है, गैस्ट्रिक इंप्रेशन। तो गैस्ट्रिक का मतलब यहां पर क्या है, गैस्ट्रिक से मतलब है स्टमक। ठीक है, गैस्ट्रिक का मतलब क्या है, स्टमक। ठीक है, स्टमक को हम गैस्टर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गैस्टर। ठीक है, इसीलिए इसका नाम रखा गया गैस्ट्रिक इंप्रेशन। मतलब ये ऐसा इंप्रेशन है जो कि फंडस ऑफ स्टमक के द्वारा क्रिएट किया जाता है, और लार्जेस्ट विसरल इंप्रेशन के नाम से भी इसको हम जानते हैं, स्प्लीन के लार्जेस्ट विसरल इंप्रेशन के नाम से इसको हम जानते हैं। क्लियर हो गया। चलिए, उसके बाद में बात आता है रीनल इंप्रेशन की। तो रीनल इंप्रेशन जो होगा वो लेफ्ट किडनी के थ्रू फॉर्म होता है, यानी रीनल इंप्रेशन मतलब लेफ्ट किडनी के थ्रू फॉर्म होने वाला इंप्रेशन। ठीक है, कॉलिक इंप्रेशन, कॉलिक वर्ड किसके लिए यूज करते हैं, इंटेस्टाइन्स के लिए। तो ये स्प्लीनिक फ्रैक्चर, स्प्लीनिक फ्लेक्सर के थ्रू बनता है। अब स्प्लीनिक फ्लेक्सर समझते हैं थोड़ा सा क्या है ये।
जैसे ऊपर मैं आपके डायग्राम बनाता हूँ, ये काय का डायग्राम बनाया मैंने आपके सामने, लार्ज इंटेस्टाइन का। किसका डायग्राम बना रहा हूँ? लार्ज इंटेस्टाइन का। तो देखो लार्ज इंटेस्टाइन में दो फ्लेक्सर या दो मोड़ कह सकते हो आप। तो दो फ्लेक्सर है, एक और ये दो। तो नंबर एक पर जो फ्लेक्सर है, क्योंकि ये कौन सी साइड में है? लेफ्ट साइड में है। कौन सी साइड है ये? सॉरी, राइट साइड है ये। तो राइट साइड में होता है लिवर। तो यहां पर ये होगा हिपेटिक फ्लेक्सर। इसका नाम क्या है? हिपेटिक फ्लेक्सर, ठीक है। और इधर की तरफ जो कि लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है नंबर टू पर, ये क्या है? स्प्लीनिक फ्लेक्सर। कौन सा फ्लेक्सर है? स्प्लीनिक फ्लेक्सर, याद रखिएगा। तो स्प्लीनिक फ्लेक्सर ये वाला है इधर लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। पेनक्रियाटिक इंप्रेशन की बात करें तो पेनक्रियाटिक इंप्रेशन का मतलब जो पेनक्रियाट की वजह से या पेनक्रियास की वजह से होता है, ठीक है। और पेनक्रियास की टेल से, भाई पेनक्रियास अगर हम देखें तो पेनक्रियास लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है। पेनक्रियास किस तरीके की स्ट्रक्चर होती है? लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है। इसके अलग अलग पोर्शन होते हैं। ये जो लास्ट पोर्शन है, ये इस पोर्शन को हम बोलते हैं टेल। क्या बोलते हैं इसको? हम टेल पार्ट बोलते हैं। तो इसी से बनता है पेनक्रियाटिक इंप्रेशन। क्लियर हो गया? चलिए अब ये सामने आप जो डायग्राम देख रहे हैं उसमें आपको क्या दिखाया गया है? इंप्रेशन के बारे में दिखाया है मैंने, है ना। इंप्रेशन एक एक करके देखेंगे। तो आप देखिए गैस्ट्रिक इंप्रेशन सबसे पहले हमने जो पढ़ा था वो क्या, वो इधर है, ठीक है। ये वाला जो इंप्रेशन है, ये जो इंप्रेशन है, ये क्या है? गैस्ट्रिक इंप्रेशन है, ठीक है। फिर रीनल इंप्रेशन, रीनल इंप्रेशन किधर है? ये वाला रीनल इंप्रेशन। ये इधर पेनक्रियाटिक इंप्रेशन, ये कॉलिक इंप्रेशन। ये आप डायग्राम में इजीली देख सकते हो। ये सब क्या है? इंप्रेशंस दिखाए गए हैं, है ना। इंप्रेशन मतलब ऑर्गन जिस जगह से अटैच्ड है, टच है। चलिए उसके बाद आता है हाइलम। हाइलम मतलब ऐसी स्ट्रक्चर जहां से होकर के किसी भी ऑर्गन में कोई भी स्ट्रक्चर एंटर या एग्जिट करती है। हाइलम वो पोर्शन होता है जहां से स्ट्रक्चर एंटर या एग्जिट करते हैं। आप इधर देखिए, इधर ये कौन सी स्ट्रक्चर है? ये स्ट्रक्चर है हाइलम। इस जगह को हम क्या बोलते हैं? इस जगह को हम बोलते हैं हाइलम, क्योंकि यहां से होकर के स्प्लीनिक आर्टरी, स्प्लीनिक वेन, लिम्फ वेसल्स, नर्व वेसल्स, सारी स्ट्रक्चर्स जो स्प्लीन के अंदर एंटर या एग्जिट करती हैं, वो सब यहीं पर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो हाइलम का मतलब क्या होता है? इट इज द पार्ट एट विच स्ट्रक्चर्स आर एंटर और एग्जिट, ठीक है। चलिए उसके बाद में आते हैं फंक्शंस की बात करें तो स्प्लीन का सबसे पहला फंक्शन है इट हैव रोल इन इम्यूनिटी। ये हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। क्यों इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है? क्योंकि ये लिम्फेटिक ऑर्गन है। लिम्फेटिक ऑर्गन है तो लिम्फोसाइट्स का भी ये फॉर्मेशन करता है। और लिम्फोसाइट हमें डायरेक्टली क्या देती है? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती है, इसीलिए यहाँ पे लिखा है इम्यूनिटी देती है। दूसरा फंक्शन इट हेल्प इन डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। तो ये हेल्प करता है आरबीसी के डिस्ट्रक्शन में, इसीलिए इसको ग्रेवियार्ड ऑफ आरबीसी के नाम से हम जानते हैं। तीसरा फंक्शन है इसका इन फीटल लाइफ इट हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल टाइप ऑफ ब्लड सेल्स। फीटल लाइफ में अगर हम बात करें तो ये ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन भी करता है। ब्लड सेल्स जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का ये फॉर्मेशन करता है। एडल्ट लाइफ में बात करें तो एडल्ट लाइफ में ये प्रोडक्शन करता है लिम्फोसाइट्स का, ठीक है। लिम्फोसाइट आर द टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी, एक प्रकार की डब्ल्यूबीसी है, ठीक है। और इसको हम स्टोर हाउस ऑफ ब्लड के नाम से भी जानते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको पहले ही बताया था। स्टोर हाउस मतलब क्या है यहाँ पर? ब्लड बैंक। क्या है? ब्लड बैंक ऑफ बॉडी। इसको हम ब्लड बैंक ऑफ बॉडी के नाम से भी जानते हैं। क्लियर हो गया? तो ये था स्प्लीन के बारे में। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, लेक्चर को सभी के साथ में शेयर करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। थैंक यू वेरी मच।